नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 5वीं और 8वीं गणित एवं संस्कृत विषय की समय सारणी से संदर्भित जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं क्या है आज की जानकारी। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कक्षा 8वीं और 5वीं गणित विषय की जो परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया गया था और कक्षा 8वीं जो संस्कृत विषय तृतीय भाषा का जो प्रश्न पत्र था उसे निरस्त कर दिया गया था, जिसकी समय सारणी 11 अप्रैल 2023 को पुनः जारी कर दिया गया है। यह समय सारणी संशोधित करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से संदर्भित पत्र अनुसार निरस्त एवं स्थगित की गई कक्षा 8वीं संस्कृत व गणित अथवा संगीत तथा कक्षा 5वीं अथवा संगीत विषय की परीक्षा का आयोजन नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। साथियों, यहाँ परीक्षा का जो समय है उसे बदल दिया गया है। परीक्षा का समय अब दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं दो तिथि में परीक्षा का आयोजन होगा, 15 अप्रैल 2023 और 17 अप्रैल 2023 को परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो साथियों, कक्षा 5वीं की जो परीक्षा गणित विषय की होना है, गणित अथवा संगीत विषय की जो परीक्षा होना है, वह 15 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके पश्चात कक्षा 8वीं की जो गणित अथवा संगीत विषय की जो परीक्षा है, यह 15 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को कक्षा 5वीं के गणित विषय के साथ ही इसका आयोजन किया गया है। इसके पश्चात आप देख सकते हैं कक्षा 8वीं की तृतीय भाषा संस्कृत विषय का जो प्रश्न पत्र था वह निरस्त कर दिया गया था। अब इसकी परीक्षा भी 17 अप्रैल 2023 दिन सोमवार के दिन इसका आयोजन किया जाएगा। तो साथियों, आप इस जानकारी को अधिक जानने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां इसका लिंक दिया गया है, वहां से इस पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा 8वीं संस्कृत विषय की परीक्षा केवल SC ERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए ही आयोजित होगी। इसके अतिरिक्त अन्य तृतीय भाषा का चयन करने वाले तथा NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की दिनांक 1/4/2023 को आयोजित परीक्षा ही मान्य होगी। इसके साथ साथियों, यह बता दें, आप परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र पूर्व अनुसार ही होंगे। जैसे कि आप जिस स्थान पर, जिस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए जाते थे, वहीं पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों में कोई भी किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं किया गया है, और बदलाव किया गया है तो सिर्फ परीक्षा के समय में ही बदलाव किया गया है, जो कि सुबह नौ बजे से लेकर 11:30 तक आयोजित होती थी। अब यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। तो साथियों, यह थी आज की जानकारी। यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।